वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म टाइगर 3 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। वैसे तो कल रात को हमने देखा था किस तरीके से टाइगर 3 कहीं ना कहीं उम्मीदों से काफ़ी बेटर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही थी, और रात होते होते भी जो है वो सपोर्ट ऑडियंस का इस फिल्म को मिला, क्योंकि रात की जो ऑक्यूपेंसी थी वो भी काफ़ी सॉलिड निकल के आई है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बात करें मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की, तो 36.55% पर फिल्म की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की शुरुआत हुई थी। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी जा पहुंची 42.73% पर, इवनिंग ऑक्यूपेंसी चल रही थी 39.82% पर, और नाइट में एक सॉलिड जंप यहां पर देखने को मिला जहां पर ऑक्यूपेंसी जा पहुंची 46.18% पे। और इसी के साथ साथ फिल्म का जो पहले दिन का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रहा केवल हिंदी वर्जन के लिए वो था 41.32% का, और इसी का एक नतीजा है कि कल तक जो आंकड़े 40 से 42 करोड़ के आसपास के नजर आ रहे थे वो रात होते होते 42 से लेकर 44 करोड़ तक जा पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि टाइगर 3 कहीं ना कहीं इंडिया से अपने पहले दिन 42 से 44 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन और अराउंड 52 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन यहां पर करने जा रही है। और ऐसा करते हुए सलमान खान स्टारर इस फिल्म ने जो है दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। वर्ल्ड वाइड अगर फिल्म की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड 95 से 100 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, जो कि अगेन अगर 100 करोड़ का आंकड़ा पार होता है तो एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी यहां पर सलमान खान के लिए। तो ओवरऑल टाइगर 3 की जो ओपनिंग है वो काफी सॉलिड यहां पर निकल के आई है, पर आज के दिन पर हर किसी की नजर टिकी होगी, क्योंकि आज है वो दिन जहां पर एक्चुअल में पता चलेगा कि फिल्म को लेकर हाइप कितनी है, फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट कितनी है, और फिल्म का एक्चुअल में वर्ड ऑफ माउथ जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना वीक है। बात करें एडवांस बुकिंग की, तो हालांकि एडवांस बुकिंग सलमान खान की फिल्म पर बहुत ज्यादा असर तो कभी नहीं डालते हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो दूसरे दिन जो है पहले दिन के मुकाबले 24% कम एडवांस बुकिंग यहां पर दर्ज की गई है। आपको बता दें पहले दिन के लिए फिल्म ने जो है 23 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग की थी, वहीं दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग जो है वो अराउंड 17.5 करोड़ के आसपास की ही हुई है। पर इस कम एडवांस बुकिंग को देखते हुए ये हम नहीं कह सकते हैं कि कल के दिन के मुकाबले फिल्म का कलेक्शन आज कम निकलेगा, क्योंकि रिसेंटली ही आप देख लो या फिर सलमान खान की कुछ और फिल्में देख लो, उनकी फिल्मों की जो स्पॉट बुकिंग होती है वो दूसरी फिल्मों के कंपेयर में काफी अलग रहती है, और स्पॉट बुकिंग पर उनकी फिल्में इस तरीके का परफॉर्मेंस अक्सर दिखाती है जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो देखते हैं आज इस फिल्म को स्पॉट बुकिंग में कितना सपोर्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से फिल्म कहीं ना कहीं डे वन के बराबर का कलेक्शन जो है डे टू को करती हुई नजर आएगी, बाकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जब खुलती है तब पता चल ही जाएगा। वैसे दूसरे दिन को लेकर आपके क्या प्रेडिक्शन है, क्या ये फिल्म ड्रॉप लेगी, क्या ये फिल्म जंप लेगी या फिर एक स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।